तो प्रूफ देखिए, यहाँ पर पूरे 45,000 का लोन अमाउंट सीधे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर पूछ रहे हैं कि भैया हमें पर्सनल लोन लेना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंपनी से अप्लाई करूँ, कौन सा कंपनी से मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको भी पैसे की इमरजेंसी है, आप लोन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में हर एक डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे कर अप्लाई कीजिएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कितना दिन के लिए लोन मिलता है, कितना आपको इंटरेस्ट वगैरह देना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल वाले नोटिफिकेशन को बिलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने एक ऐसा अर्निंग एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसमें कि आप महीने का 30,000 से 40,000, 50,000 घर बैठे कमा सकते हो। क्या काम करना है, कैसे कर एप्लीकेशन को यूज करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर जानना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम पर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे कर अप्लाई कीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी RBI NBFC से रजिस्टर है, बेझिझक होकर आप इस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी में लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स होता है, उसको यहाँ पे समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अपना मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है सैलरीड पर्सन को ओनली लोन देता है और स्टूडेंट को लोन देता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर लोन ले सकते हैं, या सैलरीड पर्सन है फिर भी लोन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट 45,000 तक का लोन देगा, और रिपेमेंट करने का भी यहाँ पर आपको टाइम अच्छा खासा मिलने वाला है। 100% डिजिटल प्रोसेस होगा, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देना नहीं पड़ता है। चलिए अब कंपनी के अबाउट सेक्शन पे चल के मैं आपको इसका डिटेल शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी में अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज चेक करना है कि क्या वो कंपनी RBI NBFC से लाइसेंस प्राप्त है। तो यहां पे देखिए, इंसेंट पर्सनल लोन ऑफ फॉर ऑल फाइनेंस नीड अप टू 25,000 RBI रजिस्टर, यानी कि 45,000 तक का लोन मिलेगा, वो अभी RBI रजिस्टर कंपनी से। मिनिमम लोन आप इस कंपनी से 500, और मैक्सिमम आप यहां पर अगर अप्लाई करना चाहें तो 30,000 तक का यहाँ पर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम। लेकिन 30,000 का लोन मिल जाता है, उसके बाद जैसे ही रिपेमेंट करते हैं तो फिर लिमिट आपका 45,000 तक का यहाँ पर हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर मंथ आप लोगों से इंटरेस्ट लिया जाएगा, जो कि होगा 0% से लेकर 4% पर मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो आपको टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो 61 दिन से लेकर 120 दिन का यहाँ पर मिनिमम आपको टाइम देखने को मिलता है। चलिए, ये सारा डिटेल्स आप लोगों को समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबिलिटी, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होता है तभी लोन मिलेगा, अन्यथा अप्लाई करके भी कोई फायदा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंपनी ने साफ साफ मेंशन किया कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या सैलरीड या प्रोफेशनल हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो इनकम है वो प्रत्येक महीना का 9,000 होना चाहिए। अगर आप 9,000 महीने में कमाते हैं तो इस कंपनी से आप कभी भी लोन ले सकते हैं, इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गया है तो। डॉक्यूमेंट्स में बात करें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर कॉलेज का ID प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी कर आप यहां पर प्रूफ कर सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स यहां पर देना पड़ेगा। यहां पर पैन कार्ड और यहां पर KYC आपको यहां पर करना इंपॉर्टेंट है। ये सारा डिटेल्स यहां पर आपको देना पड़ता है। बाकी इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इस एप्लीकेशन का नाम यहां पर देखिए, M-Pocket इंसेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का रेटिंग है 4.4 का, और डाउनलोड की बात करें तो 1 करोड़ इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। तो बहुत सारे लोग जो हमें कमेंट कर पूछ रहे थे कि भैया हमें पर्सनल लोन लेना है, कोई अच्छा एप्लीकेशन बताइए जिससे कि पर्सनल लोन मिल जाए। तो फ्रेंड, इस एप्लीकेशन से आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो इस कंपनी में आपको लोन मिल जाएगा। बाकी अगर इस कंपनी से आपको लोन नहीं मिलता है, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको मोर वीडियो के सेक्शन पे जाना है, और हमने अपने चैनल पर बहुत सारे लोन कंपनी के बारे में वीडियो बनाकर अपलोड किया है। सिंपल सा उस वीडियो को देखना, सीखना, समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहां पर अपना चैनल आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे कि मैं यहां पर अपना नाम सर्च करता हूं, ठीक है, मैं यहां पर अपना नाम सर्च कर रहा हूं, नाम सर्च कर दिया हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हमने अपने चैनल पर बहुत सारे लोन एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाया है। 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बताया कि अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा ख़राब है, घटिया हो गया, तो कैसे कर मिलेगा, तो इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को देखिए। आधार कार्ड से पर्सनल लोन कैसे मिलेगा इस वीडियो को देखिए। मतलब हमारे चैनल पर भर भर के वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया है, सिंपल सा देखना समझना उसके बाद अप्लाई करना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए।